चौथे सूत्र में आता है ज्ञानाधिष्ठान मातृ कह। अब ये थोड़ा डिटेल में आता है। पहले चरण में हमने देखा शरीर, ज्ञानाधिष्ठान मातृका का मतलब है, मातृका का मतलब है माँ। अब ये मातृका जो शब्द है ये सबसे ज्यादा जब यूज हुआ तब तंत्र की भाषा में ही यूज हुआ। एक समय पे इस देश में सप्त मातृका ये बड़ी पॉपुलर थी, ठीक है। अब जैसे दश महाविद्या पॉपुलर, हर कोई जो भी तांत्रिक जो भी छोटे मोटे पूजक है वो अपना सप्त मातृका तो भूल गए, वो अपना दश महाविद्या की प्रोसेस में लग गए, कोई किसी देवी का कर रहा कोई कुछ। लेकिन एक समय पहले करीब करीब 400-500 साल पहले इस देश में बहुत ज्यादा पॉपुलर थी सप्त मातृका। ये तंत्र की मुख्य देवियां मानी जाती, ठीक है। अगर तुम एलोरा वगैरह देखे हो कभी, कैलाशा टेम्पल, तो वहां पे भी तुम देखोगे कि बहुत सारी सप्त मातृका की मुख्य मूर्तियां बनी हुई। और सप्त मातृका की जो देवी है उसमें से ही एक दो देवी आज भी दश महाविद्या में है, लेकिन चामुंडा वगैरह जो थी वो निकल गई, उसमें से उन्हें नहीं रखा गया, उसके अपने कुछ कारण है। लेकिन मातृका इस शब्द का अर्थ है माता। मातृका ये शब्द बनता है जमीन से, मातृका का मतलब है केंद्र, जमीन, मां। इसलिए हम कहते हैं ना कि पृथ्वी माता, कि पृथ्वी को माता का दर्जा दिया गया कि जो सबका पालनहार कर रही है वो माता। और जब तुम उसी के प्रति केंद्रित हो जाओ तब तुम मातृका से केंद्रित हुए। ये जो पहला शब्द है ध्यानाधिष्ठान मातृका, इसका मतलब है कि अपने रूप से, अपने मूल रूप से जुड़ जाओ, अपने भीतर जुड़ जाओ। इसका सीधा इतना ही मतलब है कि गो टू द रूट्स, कि अपने भीतर जुड़ जाओ। और जब तुम अंदर जाते हो तो ऐसी कौन सी समस्या है जो तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ दे रही है, कोई बता पाएगा? विचार सही बात है। जब भी तुम भीतर जाने की कोशिश करोगे, आंख बंद करोगे, द ओनली थिंग कि जो तुमको सबसे ज्यादा तकलीफ दे रही है वो है तुम्हारे विचार। कि जैसे ही तुम आंखों को बंद करते हो वो इतनी बड़ी पैमान पे तुम्हारे सामने आते हैं, इतना सारा वो खेल खेलते हैं कि तुम रूट तो भूल ही जाते हो, अपने भीतर डूबना भूल ही जाते हो और बस तुम उन्हीं में लग जाते हो। जब तुम भीतर की यात्रा करोगे, भीतर में प्रवेश करोगे, भीतर में डूबोगे, तो यह सबसे महत्वपूर्ण है कि अब तुम अपने विचारों के प्रति भी साक्षी हो जाओ। ये ध्यानाधिष्ठान मातृका का मतलब है कि जो अपने मूल के प्रति रूटेड हुआ, अपने मूल के प्रति जागरूक हुआ, अपने मूल के प्रति वापस चला, जिसने रास्ता पकड़ा भीतर में जाने का। और वो मूल रूप क्या है? वो मूल रूप है मौन, मौन। तो याद रखना कि ये चाहे ये दो शब्द के लगे, चाहे ये एक शब्द का लगे मंत्र, ये श्लोक, ये सूत्र किसी एक शब्द जैसा है, लेकिन इसके आगे और पीछे बड़ी कहानी है। तो लोगों को सवाल लगता है कि जब कोई शिव सूत्र को सुनता है तो उसे लगता है कि एक शब्द का इतना कैसा मीनिंग हो सकता है। लेकिन महादेव किसी किमियागार से कम नहीं है। महादेव जानते थे, शिव जानते थे कि जब भी कोई चीज ब्रह्मांड में उतरेगी, जीवन में उतरेगी, बाहर के जीवन में आएगी, तो वह ड्यूअलिटी को प्रस्थापित करेगी, दो निर्मित हो गए। अगर किसी ने कहा कि प्रकाश अच्छा है, इसका मतलब है अंधेरा निर्माण हुआ। जैसे ही लाइट बंद हुआ अंधेरा आया, दोनों साथ आएंगे। जैसे ही तुमने कामना की कि सब अच्छा हो जाए, लिख लो कि सब बुरा होना भी शुरू हो गया। जैसे ही तुमने चाहा कि मैं खुश रहूं, लिख लो, उसी दिन तुमने खुद से यह भी कह दिया कि मैं दुखी। जो भी तुम चाहोगे अपने जीवन में उससे विपरीत उसके साथ चलते आएगा। तो जब शिव लिख भी रहे हैं या शिव कह भी रहे हैं तो इसका इतना ही मतलब है कि उसके साथ और एक चीज आई। ये ऐसे ही है कि तुम्हारा दृश्य शरीर और तुम्हारा अदृश्य आत्मा, समझे? शरीर ही अदृश्यता में आत्म तत्व में परावर्तित हो जाती है, जो चेतना का प्रवाह है। जब तुम शरीर से उठोगे तब तुम चेतना में रूपांतरित हो जाओगे, और जब तुम चेतना से गिरोगे तब तुम शरीर में उतर।
तो एक ही चीज के दो पहलू है। अगर तुम अपने शरीर से बाहर हो या तुम्हारा शरीर मर चुका, अब तुम इस आत्म तत्व को नहीं जान पाओ। इसलिए तो मनुष्य के शरीर की इतनी कीमत है, इसलिए तो कहा गया कि देवताएं भी तरसते हैं मनुष्य जीवन के लिए, क्योंकि मनुष्य जीवन के साथ ही कुछ हो सकता है। मनुष्य के जीवन में होने के साथ ही तुम अपने को जान सकते हो, अपने भीतर की यात्रा कर सकते हो। देवता भी अगर तुम हो तो भी नहीं कर सकते। सुना है ना, तुम टीवी सीरियल कम देखी है क्या? जीवन देखी है ना, सबने देखी है, तो ये डायलॉग तो सब ने सुना होगा। और पंडित पुजारी तो चिल्ला चिल्ला के बता दिए तुम, मनुष्य शरीर चाहिए तो बड़ा नसीब लगता है ये। लेकिन बात बड़ी सच है कि सिर्फ मनुष्य शरीर के साथ आसानी है। और ये नहीं कहूंगा मैं कि सिर्फ मनुष्य का शरीर के साथ ही तुम पहुंच सकते हो, ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अगर ऐसा मैंने कहा तो रमन महर्षि गलत हो। रमन महर्षि जिनके आश्रम में आज भी गाय की समाधि, कुत्ते की समाधि, और खुद उनसे कहा कि ये गाय पहुंची, ये गाय के अवतार में ही पहुंची, ये गाय थी लेकिन फिर भी इसने खुद को जान लिया। अब क्या बचा? और जब रमन महर्षि कह रहे तो वो बंदा ऐसा था कि मैं उस पर आग कुंद के विश्वास रख, क्योंकि महर्षि रमन महर्षि कोई बाजारू आदमी नहीं थे। उन्होंने परमात्मा का अनुभव किया था, उन्होंने अपने को जाना था, उन्होंने उस सत्य को जाना था जिसके लिए हर कोई तड़प रहा। तो जब ऐसा इंसान कुछ बोलेगा तो वो सत्य है। तो अगर गाय पहुंच सकती है तो भाई क्या बचा? तो मनुष्य जीवन के साथ आसानी, क्योंकि सेंस ज्यादा है, तुम इजीली खुद को उस दिशा में मोल्ड ऑन कर सकते हो, तुम इजीली खुद को उस दिशा में प्रवाहित कर सकते हो, तुम इजीली उस दिशा में खुद को बहा सकते हो अगर तुम चाहो तो। अन्यथा, अन्यथा तो सब राम का नाम, राम का माम हूं मैं और दिल में सब काम भरा, ऐसे ही हम जिए चले गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ध्यानादिष्टम मातृका का मतलब है कि तुम रूट में वापस आ रहे हो, और रूट है तुम्हारा साइलेंस। अगर विचार है ही नहीं तो बचा क्या? अगर विचार खत्म हुए तो बचा क्या? मौन, शांतता, यही बचा। अब इस विचारों से कैसे खुद को छुड़ाए, इसके प्रयोग हम आज के इसमें करेंगे, मेडिटेशन में जो हम करेंगे तो हम इसका प्रयोग करते। तो इस शरीर से विचार और विचार से भाव, ये तीन तल साक्षी के हैं, और शिव एक एक चीज पर काम कर रहे हैं। शिव कहते हैं कि पहले शरीर को ही देखो, और फिर कहते हैं कि अपने विचारों को ही देखो, अपने विचारों के प्रति साक्षी होना है, अपने मूल रूप पर वापस आना है। जैसे ही तुमने ये समझा, और तुम समझ कैसे पाओगे कि तुम्हारे विचारों के प्रति जैसे ही तुम निस्तेज हुए कि तुम अपने मौन में उतरे, ये कैसे समझ पाओगे? जब तुम विचारों के साथ कुछ प्रयोग करो, जब तुमने विचारों पे कुछ काम किया, अन्यथा नहीं समझ पाओगे।